अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, 8 मुहर्रम हराम है, 7 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उनवान है, यूपी के एक वज़ीर के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी। फाजिल जज ने यह कहा कि उनको गिरफ्तार करके 10 अगस्त तक कोर्ट में पेश किया जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी के वज़ीर क्या क्या ओछी हरकतें करते हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट वज़ीर डॉक्टर संजय निषाद के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। CJM जगन्नाथ ने वज़ीर के बारे में ये हुक्म जारी किया है कि 10 अगस्त तक हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाए। बता दें, मामला 2015 पुराना है। उस वक्त में एहतजाज हुआ था, आगजनी बलवा हुआ था, उसी में ये वज़ीर नामज़द हैं और ये मामला अब उछल गया है और अदालत ने जैसा आदेश दिया वो आपके सामने हैं। इससे पहले बता दें, एक दूसरे वज़ीर के ख़िलाफ़ जिसका नाम राकेश सचाना है, जो कल अदालत से भाग गए थे और अदालत से भागने का सबूत इस तरह हाथ लगा है कि अदालती रजिस्ट्रार ने बाकायदा भागने के बारे में मुतल्लिका थाने में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि रात 11 बजे तक भी इस तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और आला अफसर ने यह बयान दिया था कि पुलिस मामले की पहले जांच करेगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। राकेश सचाना के बारे में ये बात सामने आई थी कि अदालत ने जब उनको कसूरवार ठहराया तो अपने वकील से बुनियादी फाइल लेकर वहाँ से फरार हो गए। हद ये कि मुचलका जमानत का भी नहीं भरा और उसके मुचलका भरे बगैर ही फरार हो गए थे। ये तो कल के राकेश सचाना का मामला है और ये नया मामला जो हम बता रहे हैं तो ये भी कल का ही, ये ताज़ा खबर है कि काबिनी वज़ीर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट हुए हैं और इनके बारे में हुक्म ये दिया गया कि 10 अगस्त तक हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाए। इनका नाम है डॉक्टर संजय निषाद।